हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस के बारे में। आपके जो है रीजनल सेंटर नोएडा ने फाइनली अपनी जो है असाइनमेंट आपको अगर दिसंबर के लिए सबमिट करना है तो उसकी गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि आप जो है ऑनलाइन किस तरह से जो है अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। फ्रेंड चलिए सबसे पहले तो हम जो है अपनी रीजनल सेंटर नोएडा की जो है वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपको रीजनल सेंटर नोएडा का जो है लिंक मिल जाएगा, साथ ही मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप सभी को लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में हम जो है सिर्फ और सिर्फ रीजनल सेंटर नोएडा की ही बात कर रहे हैं। अभी के लिए जो है रीजनल सेंटर नोएडा ने ही अपने जो है असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस को जो है जारी किया है। तो यहाँ पे जाने के बाद देखिए अनाउंसमेंट्स के अंदर ही आपको जो है अपना लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप अनाउंसमेंट्स पे जाएंगे तो देखिए गाइडलाइंस यहाँ पे जो है दे दी गई है आप सभी को, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। हालांकि ये लिंक जो है इनको अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट को मेन पेज पे ही डालना चाहिए था, बट चलिए कोई बात नहीं। गाइडलाइंस एंड लिंक्स फॉर असाइनमेंट ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 दिसंबर की। जैसे इसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर फॉर डिटेल्स आपका लिखा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो है एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये जो है हम बात कर रहे हैं आरसी यानी कि रीजनल सेंटर नोएडा की। आपके दिसंबर एग्जाम्स के लिए अगर आप अपने असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो अब जो है आप कर सकते हैं। आपको जो है इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका ये लिखा हुआ है कि आपका जो है फ्रंट पेज यानी कि कवर पेज जो है किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या डिटेल जो है आपके फ्रंट पेज और कवर पेज में होनी चाहिए, वो सभी यहाँ पे जो है लिखी हुई है। काफी कॉमन या फिर बेसिक चीज है, ये आप सभी को पता होगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि आपको जो है पीडीएफ का नाम जो है किस तरह से लिखना होगा। पीडीएफ का नाम के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर फिर आपका जो भी कोर्स का कोड है .pdf। आप सभी को बता दूं अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो आपको जो है 5 पीडीएफ बनानी होगी, यानी कि आप एक पीडीएफ के अंदर एक ही कोर्स का जो है असाइनमेंट बना सकते हैं। या नीचे आपके थर्ड पॉइंट में भी लिखा हुआ है तो उस हिसाब से जो है आपको अपने पीडीएफ का नाम भी देना है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए नीचे भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर फिर अंडरस्कोर आएगा एंड उसके बाद जो भी आपका कोर्स का कोड है उसके बाद .pdf। इस तरह से जो है आपको अपने पीडीएफ का रीनेम करना होगा। पीडीएफ का साइज यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10 MB से जो है ऊपर का नहीं हो सकता है। एंड यहाँ पे जो है क्लियरली एक चीज भी मेंशन की गई है, आपको सिंगल अटेम्प्ट में ही अपनी पीडीएफ जो है अपलोड करनी होगी, आपको जो है मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अगर एक बार फॉर्म आपने सबमिट कर दिया उसको आप जो है एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पे जो है क्लियरली मेंशन की गई है। ये भी बोला गया है आपके 7th पॉइंट में कि आपको जो है अपने स्टडी सेंटर में जो भी नीचे आपकी लिस्ट दी गई है वहीं पे ही अपने असाइनमेंट को जो है सबमिट करना होगा और कहीं आप रीजनल सेंटर में मत कर दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं, जैसे आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसी टाइम आपकी ईमेल आईडी पे जो है आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप या फिर रिसिप्ट जो है मिल जाएगी, उसको जो है आपको संभाल के रखना होगा। एंड नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि आपके असाइनमेंट का स्टेटस कब अपडेट होगा, आप जो है उसको अपने ग्रेड कार्ड में चेक करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है आपके असाइनमेंट के स्टेटस को अपडेट होने में, तो आपको जो है अपने ग्रेड कार्ड में सीधा चेक करना होगा। तो उसके बाद आप नीचे जाएंगे, आपको जो है लिस्ट मिल जाएंगी आपके रीजनल सेंटर नोएडा के सारे सारे स्टडी सेंटर्स की, जहाँ पे आपको गूगल फॉर्म के लिंक भी जो है देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं आपके स्टडी सेंटर के कोड लिखे हुए हैं। अगर आपको अपने स्टडी सेंटर नहीं पता है तो आप जो है अपना एडमिशन स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद देखिए आपको अपने सारे के सारे स्टडी सेंटर के कोड एंड साथ ही में जो भी उनके गूगल फॉर्म के लिंक्स है वो सारे के सारे जो यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप कोई सा भी गूगल फॉर्म का ओपन करेंगे लिंक तो वहाँ पे जाके आप जो है अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। आप अपने स्टडी सेंटर का ध्यान रखिएगा, जो भी आपका स्टडी सेंटर हो आपको जो है वहीं पर ही अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा।